India, for the first time, we are going to have the Khelo India University Games. And this will be one of the best platform for the students who are in the college and universities. For the youth games, those who are below the age of 17 and below the age of 21, they have already participated in the Khelo India Youth Games. Those who have crossed above that age limit, they will participate in the University Games. Those who have qualified and participated in the youth games, even if they are from the university, they can again participate in the Khelo India University Games. So these are the main, you know, platform for any young athlete to showcase their talents. So what we will do, इसमें हम क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूँ. यहाँ से टैलेंट जो यूथ गेम्स अगले साल से हम लोग यूथ गेम्स को भी एक कैटेगरी करेंगे ताकि स्कूल के बच्चे वो यूथ गेम्स में जाए और जो कॉलेज और उससे ऊपर वाला जो है वो यूनिवर्सिटी गेम्स में जाए तो वो दोनों के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए. तो इसके बाद में क्या है कि हमारा टैलेंट पूल बड़ा हो जाएगा. टैलेंट पूल जब बड़ा हो जाएगा तब जा करके हम अच्छा खिलाड़ी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर आगे जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको हम आगे ले जाएंगे. मीडिया के हाथ में भी कंट्रोल नहीं है आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया होने से मीडिया अकेला क्या कंट्रोल करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल क्या लिखता है, कोई क्या करता है, मुझे तो इसमें कुछ कहने का नहीं है. लेकिन हमारे नज़रों में कोई भी टैलेंट, छुपा हुआ टैलेंट देश में किसी भी कोने में नज़र आएगा तो हम उसको तुरंत उसको हम प्लेटफॉर्म देंगे, उसका हम अपॉर्चुनिटी देंगे. देखिए, मैंने एक शुरू में मैंने एक ट्वीट किया था कि जो ओलंपिक्स का स्टैंडर्ड है तो कोई एमेचर वीडियो करके भेज देंगे या प्रूबेल के लिए जो भी हम आयोजित करने का जो भी होता है हम तो तुरंत क्लियर कर देते हैं. टेक्निकल इशू होगा तो वो हमारे पास आएंगे तो फिर हम सोचेंगे. ओके, इमरान खान ने ट्वीटेड अबाउट पाकिस्तान कबड्डी टीम डिफीटिंग इंडियाज अनऑफिशियल, आई मीन ही डिड नॉट यूज द वर्ड अनऑफिशियल. हम क्या कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट इवेंट को देश का नाम नहीं कर सकते. कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसने दिया उनको. देखिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का लेवल से इस तरह के बातें करना ठीक नहीं है. ये सीरियस मामला है. प्राइम मिनिस्टर लेवल से अगर कहता है कि हमारा अनऑफिशियल टीम को हरा दिया, इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं है. इमरान खान खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा है, अभी प्रधानमंत्री बन गई है, तो कोई हल्का फुल्का इस तरह का वो टिप्पणी नहीं देना चाहिए. सर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर पैरेलल टू एनी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट दैट हैपेंड इन गुवाहाटी, व्हाट योर होप्स विद दिस यूनिवर्सिटी गेम्स? यूनिवर्सिटी गेम, दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास. द खेलो इंडिया यूथ गेम्स ब्रोक मोर देन 80 नेशनल रिकॉर्ड एंड इन दिस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी मेनी नेशनल रिकॉर्ड्स ब्रोकन. We will include more events. See, there are lack of facilities, so some of the events are not included this time. In next university game, we will include more disciplines. India.
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.